सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा ऑटोमेटिक टूल शेयर करने वाला हूं जो कि बिल्कुल फ्री टूल है, जहां पर आप अपने यूट्यूब वीडियोस पर ट्रैफिक ले सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके की जरूरी नहीं है कि वीडियोस आपकी हो, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, कैसे उसका यूज करना है, वो तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा ही। इसके अलावा अगर आपके पास वेबसाइट है, ब्लॉग है, तो उस पर भी आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा ट्रैफिक ले सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं या फिर आप सीपीएम मार्केटिंग करते हैं, तो उस केस में आप बहुत ही बेहतरीन इस टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं एज ए ट्रैफिक सोर्स। और इसमें भी बहुत सारे एडवांटेज है। ना तो आपको लैंडिंग पेज बनाना पड़ेगा एफिलिएट मार्केटिंग अगर आप करते हैं, या फिर सीपीएम मार्केटिंग आप करते हैं, और इसके साथ साथ ना ही आपको कोई भी कंटेंट बनाने की ज़रूरत है। बिना कंटेंट के आपको यहाँ से ट्रैफिक मिल सकता है। ये एक तरीके का बिल्कुल फ्री और ऑटोमेटिक टूल है। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपने यूज करना है, तो बस आराम से आपने इस वीडियो को देखना है। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जो टूल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिसके बारे में, उसके मैं कुछ स्टैट्स आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इसका 3 मंथ ट्रैफिक जो है वो लगभग 3.5 मिलियन के आसपास है। मंथली ट्रैफिक 1.1 मिलियन है, जो कि ह्यूज है, काफ़ी अच्छा है, और अभी ये धीरे धीरे ग्रो भी हो रहा है। इसके अलावा अगर आप ट्रैफिक देखोगे तो यू कैन सी यूनाइटेड स्टेट, इंडिया, इथोपिया एंड यूनाइटेड किंगडम, इंडोनेशिया, तो इन सभी कंट्रीज से ट्रैफिक आता है। क्योंकि ये एक तरीके का टूल ही है, तो अगर आप देखोगे तो मोस्टली ट्रैफिक इसको डायरेक्ट ही मिलता है एंड ऑर्गेनिक मिलता है। अब ये कौन सा टूल है, किस तरीके से आपको यूज करना है, प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ। तो सिंपली सबसे पहले देखो इसका नाम ही आप देखो, यहाँ पे आप देख सकते हैं Vaklet.com, इस वेबसाइट का, इस टूल का नाम है। तो सिंपली आपको इस पे चले जाना है, और जैसे ही आप यहाँ पे आओगे, यू कैन सी क्रिएट, एजुकेट, इंस्पायर, सेव एनी काइंड ऑफ कंटेंट इनटू द ब्यूटीफुल कलेक्शंस यू कैन शेयर विद योर स्टूडेंट्स, योर लर्निंग कम्युनिटीज एंड द वर्ल्ड। सर्चेबल प्लेटफॉर्म है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के। यहाँ पे आप इसका लुक देख सकते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको साइनअप पे क्लिक करना है, जो कि बहुत ही आसान प्रोसीजर है यहाँ पर अकाउंट बनाने का। सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी चीज़ें आपके सामने आती हैं उनको आप फिल करते रहिए। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे ऑप्शन हैं जिसके थ्रू आप यहाँ पर अकाउंट बना सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपली साइनअप विद ईमेल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको अपना ईमेल देना है, अपना नाम देना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, डेट ऑफ बर्थ आपने एंटर करना है, देन सिंपली साइनअप पर आपको क्लिक करना है। इतना करते ही आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाएगा। उसके बाद कुछ बेसिक सेटिंग्स है जो कि आप इजीली कर सकते हैं। एंड गाइस, उसके बाद जैसे ही आप लोग इस टूल के अंदर लॉगिन करोगे तो आपको कुछ इस प्रकार का जो है इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये बहुत ही आसान टूल है, इसके अंदर ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए और आप इसको यूज ना कर पाएं, बहुत ही बेसिक है। सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो हम लोग ना यहाँ पे एक कलेक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो कलेक्शन है वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, और इस एक कलेक्शन के अंदर आप किसी भी सोर्स से इंफॉर्मेशन को इसके अंदर डाल सकते हैं। जैसे कि कोई वो वीडियो हो सकती है, कोई पीडीएफ हो सकता है, कोई आर्टिकल हो सकता है, किसी भी तरीके का फॉर्मेट में आप कंटेंट को यहाँ पर सेव कर सकते हैं। नो मैटर कि वो कंटेंट आपका है या किसी और का है, आप बस उसका एक कलेक्शन बना रहे हो, या फिर मान लीजिए कि आप एक प्लेलिस्ट बना रहे हो जिसके अंदर बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं जो लोगों ने यहाँ पे कलेक्शन बनाई है। तो सिंपली हम सर्च पे जाएंगे, कोई भी यूजर जब इस प्लेटफॉर्म पे आता है तो इस तरीके से इसको यूज कर सकता है। नाउ सी, अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग, ओके, ये मैंने एफिलिएट मार्केटिंग लिखा और इसको मैं यहाँ पर सर्च करूँगा। नाउ यू कैन सी कि एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर आपको कई सारे यहाँ पर कलेक्शंस जो है वो देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखो, अब इन लोगों ने ना अदर सोर्सेज से डेटा को इकट्ठा करके यहाँ पर कलेक्शंस बनाए हुए हैं, और जिनको ज़रूरत होती है वो अच्छे से इन कलेक्शंस का यूज करते हैं, देखते हैं, और इसके अंदर काफ़ी वैल्यूबल डेटा भी होता है। इसके अलावा मैं यहाँ पर कोई और सर्च टर्म यूज करता हूँ, जैसे कि फूड, तो यहाँ पर मैंने फूड को सर्च किया है। तो देखिए फूड पर तो बहुत सारे कलेक्शंस बने हुए हैं, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा नैरो करेंगे। फूड रेसिपी मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, जिससे कि मैं आपको एक परफेक्ट एग्जांपल यहाँ पर आपको दिखा पाऊँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि फूड रेसिपी एंड आइडियाज़, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये किसी ने एक कलेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। एंड आप इस कलेक्शन, जिसने भी इसको बनाया है उसको आप फॉलो भी कर सकते हैं, ताकि आप उसकी और भी कलेक्शंस देख पाए। अब ये कलेक्शन है, ठीक है, एंड ये उसका नाम है कलेक्शन का, और ये है उसका डिस्क्रिप्शन। अब इस कलेक्शन के अंदर देखो, एक तो इसने यूट्यूब वीडियो डाल रखी है, ये भी यूट्यूब वीडियो है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गाइस कि ये किसी की भी वीडियो हो सकती है, आप डाल सकते हो अपने कलेक्शन में। यू कैन सी यहाँ पे देखो, इसके अलावा यहाँ पे देखो, ये पीडीएफ डाल रखा है, ये कोई एक वेबसाइट का लिंक डाल रखा है जो कि अच्छे से कस्टमाइज नहीं किया हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से आपको करना होता है, ये देखो। तो अब इसको ट्रैफिक मिलता है, ये देखो, ये पिंटरेस्ट की पिन डाली हुई है यहाँ पर, तो डेफिनेटली अपनी पिन को प्रमोट कर रहा है यहाँ से। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आपको बैकलिंक मिलेगा, आपको ट्रैफिक मिलेगा, आप अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रमोट कर सकते हो। सिंपली आपको टारगेटेड कलेक्शन से यहाँ पे बनानी है।
थोड़ी सी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि भाई किस टॉपिक पे आप बना सकते हैं बेहतरीन कलेक्शन जिसकी डिमांड ज्यादा हो, ताकि आपको जल्दी से जल्दी ऑडियंस मिले, आपको ट्रैफिक मिले। थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। जैसे अभी मैंने आपको फूड का एग्जांपल दिखाया, तो वहां पे हजारों लोगों ने ऑलरेडी फूड पे बना रखा है, तो अगर आप भी फूड पे बनाओगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, है ना? तो वहां पे ऑलरेडी कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको एक अच्छा टॉपिक फाइंड करना पड़ेगा, तो आप उस पर अच्छा ट्रैफिक रिसीव कर सकते हैं इस बिल्कुल फ्री टूल से। ओके, एंड इसका अपग्रेडेड वर्जन भी है, तो वो आप देख लीजिएगा उसमें क्या फैसिलिटी है। मैं आपको बिल्कुल फ्री में कैसे आप यूज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो टूल के बारे में तो आपको पता चल गया। अब बात ये है कि हो सकता है कि आपको अपनी वीडियो पे ट्रैफिक चाहिए, या आपके पास वेबसाइट है उसके लिए चाहिए, हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग के लिए या सीपी ऑफर के लिए। आप मल्टीपल ऑफर, मल्टीपल प्रोडक्ट्स को अपने कलेक्शन में प्रमोट कर सकते हैं बिना कॉन्टेंट बनाए और बिना लैंडिंग पेज के। ये कैसे करना है, तो चलिए मैं इसके लिए एग्जांपल लूंगा क्लिक बैंक का। बाकी सेम चीज़ें हैं, आप चाहे यूट्यूब के लिए यूज करो, चाहे आप अपनी वेबसाइट के लिए यूज करो, चाहे सीपीए मार्केटिंग के लिए। बस आपने देखना ये है कि कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो यहाँ से मैं एक ऑफर को पिक करूँगा, यहाँ पे मैं टॉप कन्वर्टिंग ऑफर्स में हूँ, एंड आई विल गो विद टेड्स वुडवर्किंग। ये आप देख सकते हैं, इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। अगर मैं इसको प्रमोट करता हूँ, मेरे लिंक पर क्लिक करके कोई भी पर्सन इस प्रोडक्ट को बाई करता है, तो मैं यहाँ पे ऑन एन एवरेज यहाँ पर $58 तक अर्न कर सकता हूँ, ठीक है, जो कि ठीक है, रिकरिंग भी है। अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो सबसे पहले आप जाना है आपको सेल्स पेज पर। यहाँ पे देखो, इस पर मैं क्लिक करूँगा। अब सेल्स पेज देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप बिना कॉन्टेंट बनाए काम करना चाहते हैं। नाउ यू कैन सी कि सेल्स पेज एक VSL है, लेकिन इसके अलावा यहाँ पर टेक्स्ट में भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो कि हमारे लिए ओके है। अगर पेज सिर्फ VSL है, ओनली वीडियो है, तो फिर उस केस में आप उस पेज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। फिर उसके लिए आपको अलग से कंटेंट बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करूंगा। ये हमने इसका सेल्स पेज देखा है। अब हम वापस आएंगे। अब इसको प्रमोट करने के लिए या फिर इसके अंदर और भी रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो आप इसके एफिलिएट पेज पे जा सकते हो, जहां से आपको कुछ इमेजेस वगैरह मिल जाएंगी। तो अब हमें क्या करना है, मान लो कि मैं इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने वाला हूं, तो मुझे इसके रिलेटेड एक कलेक्शन बनाना होगा। कलेक्शन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जिसमें कि मैं वुड वर्किंग के रिलेटेड सारे सोर्सेज देने की कोशिश करूं, जिसके अंदर PDF भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, जो उन लोगों के लिए यूजफुल हो। ऐसी इन्फॉर्मेशन मुझे देनी पड़ेगी जो उन लोगों के लिए यूजफुल हो जो टेड्स वुडवर्किंग में इंटरेस्ट रखते हैं। इसके साथ साथ मैं अपने एफिलिएट प्रोडक्ट्स को भी वहां पर प्रमोट कर सकता हूं। तो कैसे हम करेंगे, इसके लिए सिंपली हम यहां पर आएंगे वेकलेट पर और सिंपली क्रिएट कलेक्शन पर क्लिक करेंगे। तो यहां से हम एक कलेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। इसके लिए मैंने ऑलरेडी डेटा यहां पर लिखा हुआ है ChatGPT से, तो मैं यहां से इसको कॉपी करूंगा। इसका जो टाइटल है, यहां पर आपको देना है टाइटल, तो मैं यहां पर रखूंगा वुडवर्किंग आइडियाज। ओके, ये 16,000 प्लांट्स भी हम रखेंगे। उसके बाद आपको देना है यहाँ पर आपके कलेक्शन का डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट आप बाद में डाल सकते हैं, तो ये मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन भी ChatGPT से बनाया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा। ओके, तो ये मेरा कलेक्शन जो है उसका टाइटल है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है। मैं चाहूँ तो इसमें भी लिंक लगा सकता हूँ। तो कलेक्शन तो मेरा रेडी है, ये तैयार हो चुका है, ये इजीली सर्च में भी आएगा अब। लेकिन मुझे यहाँ पर अब इसके अंदर और कंटेंट डालना है, ताकि जो लोग इस पे आए उनको कुछ वैल्यू मिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब मैं पहला ही तरीका आपको बता देता हूँ। सेम वैसे ही आप वीडियो डाल सकते हो, सेम वैसे ही आप PDF डाल सकते हो, सेम वैसे ही आप आर्टिकल सबमिट कर सकते हो, सेम ही चीज़ें हैं। अब अगर मान लो कि आपको अपना एफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट करना है, तो उसके लिए सिंपली आपको अपना एफिलिएट लिंक लेना है। ओके, सिंपली हम क्रिएट लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें अपना एफिलिएट लिंक मिल चुका है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा एंड सिंपली यहाँ पर आएंगे। आपको अपना सिंपली लिंक जो है आपका यहाँ पर पेस्ट करना है। ओके, ये देखो, अब जैसे ही मैंने लिंक पेस्ट किया, इसने ऑटोमेटिकली ये पूरा डेटा जो है वो फैच कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आप इसको चाहें तो यहाँ पर 3 डॉट्स पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। आप यहाँ पर इसकी इमेज चेंज कर सकते हैं, जो इमेज आपको अच्छी लगती है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा डेटा आप और इंक्रीज कर सकते हैं, इसका टाइटल वगैरह बदल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। अब ये देखो, यहाँ पर एक पोस्ट मैंने डाल दी है, तो ये हो चुकी है। अगर मुझे कोई वीडियो डालनी है तो सेम मैं वीडियो यहाँ पे डाल सकता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं खुद से भी एक मैनुअल पोस्ट क्रिएट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यू कैन सी कि यहाँ से मैं मैनुअली पोस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ। एंड यहाँ से हम PDF अपलोड कर सकते हैं, यहाँ से इमेज एंड वीडियो अपलोड कर सकते हैं। कोई भी लिंक है यहाँ पर पेस्ट करो, वो यहाँ पर सेव हो जाएगा आपके कलेक्शन में। इतना सा काम है। अब ये जो पूरा आपका कलेक्शन है, ये एक लैंडिंग पेज का भी काम करेगा, आपको खुद से कोई कंटेंट भी नहीं बनाना पड़ा, और ये यहाँ पर जो ऑडियंस है, जो ट्रैफिक है, उसके सामने भी जाएगा, तो यहाँ से आपको ट्रैफिक भी मिल सकता है। और ये बहुत बेहतरीन टूल है, डेफिनेटली ये ग्रो करेगा आने वाले टाइम में। अभी भी इसका ट्रैफिक जो है, मंथली ट्रैफिक ओवर 1.1 मिलियन है। तो इस तरीके से कुछ आप इसको यूज कर सकते हैं, यहाँ से आप शेयर भी कर सकते हैं, यहाँ से आप अपनी कलेक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसमें थीम्स टेम्पलेट्स होते हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ से बैक करूँगा, तो जो भी आपने कलेक्शन बनाए होंगे वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। अब इसमें मैंने कोई फीचर इमेज नहीं लगाई है, इसलिए कोई इमेज यहाँ पे शो नहीं हो रही है, जो कि आप यहाँ पे लगा सकते हैं।
अब ये वाला कलेक्शन हमने अभी अभी बनाया है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो सभी को ये इसी तरीके से दिखाई देगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब कोई भी यूजर जब इस पर क्लिक करेगा ना, ये जो हमने यहाँ पे डेटा डाला है, तो वो यहाँ से डायरेक्टली हमारे सेल्स पेज पर जाएगा और ये आप देख सकते हैं। अब इसमें क्या है कि यूजर आपके एफिलिएट लिंक पर क्लिक करके यहाँ पर आया है, तो आपकी सेल्स यहाँ से काउंट होंगी। तो इस तरीके से आपको कोई लैंडिंग पेज बनाने की जरूरत नहीं है इसके लिए, और आप बिल्कुल फ्री में ही इसका इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई ये सब हमने बिल्कुल फ्री में किया है, कोई चार्ज इस टूल का है नहीं। तो आई होप ये जो वीडियो है डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और जो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं और आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। लेकिन अगर आपका कोई डाउट रह गया है, कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है, तो भाई कमेंट बॉक्स इसीलिए है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है, तो वहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। अब मुझे दीजिए इजाज़त और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोज़ मिलती रहें। थैंक यू सो मच।